स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है प्रदीप। आज हमारे साथ है प्रो पंजाब लीग के ओनर मिस्टर प्रवीण डबास जी। और सर आज दो दिन ख़त्म हो गए प्रो पंजाब लीग के। पहले दिन वेन्स हुए और उसके बाद मॉन्स्टर माइकल थॉट का सेमिनार हुआ और आज दूसरे दिन सेमीफाइनल्स तक सब कुछ ख़त्म हो गया। सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपकी उम्मीदें और जो रिज़ल्ट आया उनके बारे में सर बताइए। मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, ऑफकोर्स जैसे आपने बताया प्लानिंग तो बहुत की और बहुत अच्छा लगा। ऑफकोर्स मॉन्स्टर माइकल थॉट आया प्रो पंजाब लीग के रैंकिंग टूर्नामेंट में, आई थिंक दैट वॉज रियली स्पेशल। फिलहाल ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला है जैसे आप देख रहे हैं, ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ देर वर सम रियली रियली अमेजिंग मैचअप्स। जैसे आपने भी देखा यू नो स्पेशली इन सम ऑफ द हायर वन इवन इन 60 kgs देर सम रियली अमेजिंग मैचअप्स। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, काफ़ी कुछ पैशन है बच्चों के अंदर अच्छा करने का, टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रो पंजाब लीग। तो आई थिंक द मैचअप्स आर रियली अमेजिंग एंड कल जो फिनाले है वो जो फाइनलिस्ट है वो सब डिजर्व करते हैं वहाँ पे होना, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपकी किस्मत आपके हाथ। और बाकी जो है कि कैसा था कैसा नहीं था वो सोचने का वक्त थोड़ा सा बाद में मिलेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो माहौल बना है और जो जगह है LNIPE बहुत अमेजिंग है। कल फिंगर्स क्रॉस ग्वालियर फोर्ट पे हो जाए फिनाले, अभी तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने चाहा। सर आपका मैं सुबह से आपकी भाग दौड़ देख रहा हूँ, आप सुबह 9 बजे आ जाते हैं और शाम तक मेहनत कर रहे हैं, अभी 10 बजने वाले हैं रात के, लगातार विदाउट सिटिंग। और जो भी आपसे कोई भी हेल्प मांग रहा है, प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं कि सर हमें डिसीजन में कोई प्रॉब्लम थी, आप रेफरीज से भी जाके डिस्कस कर रहे हैं, पूरी मदद अपनी तरफ से करवा रहे हैं, सारे अरेंजमेंट को देख रहे हैं, एक शादी जैसा माहौल बना हुआ है। आपकी जिम्मेदारी देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जिम्मेदार इंसान शादी में इधर से उधर दौड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, तो आपकी खुशी का लेवल भी मैं उम्मीद करता हूँ सर वैसा ही होगा। आप इस एक्सपीरियंस के बारे में एक बार और थोड़ा सा बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, हर इवेंट ऐसा है जैसे लड़की को विदा कर रहे हैं, हर इवेंट वैसा ही है कि शादी हो रही है, काफ़ी कुछ उसमें प्लानिंग और सब कुछ होता है। सो एक्सपीरियंस तो जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत अमेजिंग था, प्लेयर्स बहुत अमेजिंग थे। जैसे आपने बताया ऑफकोर्स कुछ प्लेयर्स आते हैं हेल्प के लिए, मुझे क्या है बहुत रिस्पेक्ट है सब प्लेयर्स का। इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से रेफरिंग भी बहुत हाई स्टैंडर्ड की थी, लेकिन फिर भी कई प्लेयर्स को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कई बार ये लगता है वो लगता है, और मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा ये कंफर्ट लेवल देना पड़ता है कि आपकी बात सुनी जा रही है, और इसलिए उनको ये फ्री डिस्प्यूट भी दिया कि आपके पास भी कुछ वो है कि अगर कुछ आपको लगता है तो वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, ज़्यादातर जो डिस्प्यूट आज थे वो उनको नहीं वो मिले, डिसीजंस काफ़ी हद तक ठीक थे, तो लेकिन मैं जैसे बता रहा था कि उनको थोड़ा सा ये फील करना कि जैसे आपके साथ भी बात किया था कि हाँ हम सही में हारे, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि डिस्प्यूट देख के उनको पता है कि हाँ ये ठीक है मैं हारा हूँ। तो जिस चीज़ पे आपको काम करना है आप उस चीज़ पे काम कीजिए, थोड़ी और मेहनत कीजिए और फिर वापस आ जाइए। हाँ हम आपके यहाँ पे प्रो पंजाब लीग में बात सुनते हैं, मैं हमेशा जैसे मैंने बताया प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसको ओवरडू भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं रेफरी नहीं हूँ, मैं इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में नहीं हूँ, जो रेफरी का काम है वो उनका काम है। ऑफकोर्स मेरा काम है ज़रूर ये काम है देखना कि प्रो पंजाब लीग में कुछ उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो रेफरिंग वगैरह का हर चीज़ का, इसलिए हमने सर्गेई सोकोलोव जो मास्टर रेफरी है वहाँ से उनको हमने बुलाया एक वर्कशॉप करने के लिए सबके साथ। तो आप ये देख सकते हैं कि हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे कि जो लेवल है प्रो पंजाब लीग का वो बिल्कुल ही इंटरनेशनल हो, और यहाँ पे आने के लिए इंडियन प्लेयर्स भी और फॉरेन प्लेयर्स भी चाहें कि यहाँ पे हम आके खेलें। और वो तो देख ही रहा था सर कि इतना अच्छा रेफरीज की ब्रीफिंग वगैरह प्रॉपर हर एक चीज़ में इतना परफेक्शन था कि बाकी टूर्नामेंट में मैंने देखा 500-500 रुपये प्रोटेस्ट की फ़ीस होती है, फिर भी लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, फ्री था फिर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, तो भी बहुत बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पर हुआ और सभी खिलाड़ी काफ़ी अच्छे उत्साहित थे, खुश है सभी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुश है। और उम्मीद यही रहेगी कल का फाइनल मैचेस जो होंगे वो ग्वालियर फोर्ट में होने वाले हैं, ज़बरदस्त इवेंट होगा वहाँ पे। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा प्रवीण सर का, सर मैं एक एंड में चीज़ बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉन्स्टर माइकल थॉट और रिबेका थॉट यहाँ पे आए,
उन्होंने इस इवेंट को कितना अच्छा उनको लगा, इस माहौल बहुत अच्छा लगा उनको और इतनी दूर आए प्रोपंजा लीग के लिए वर्कशॉप किया, बच्चों को उसका फ़ायदा हो वर्कशॉप का। यूजुअली आपको मालूम है कितने पैसे लगते हैं, वो वर्कशॉप उनको फ्री में मिला अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स। आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू मॉन्स्टर माइकल टॉड एंड रिबेका टॉड फॉर कमिंग डाउन, दे डिडंट हैव बट दे डिड, सो थैंक यू अगेन मॉन्स्टर माइकल टॉड एंड रिबेका टॉड एंड ऑफ कोर्स मिस्टर जीन बेक बुकिंग द डॉ द एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट। थैंक यू टू एवरीवन हू बीन एसोसिएटेड विद प्रोपंजली एंड थैंक यू, यू बीन डूइंग अ रियली गुड जॉब, वेरी गुड जॉब एवरीबॉडी, थैंक प्रदीप, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी पैशनेट एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज, सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज विलिंग टू गिव हिम अ शॉट। थैंक यू। सो कल होंगे फाइनल्स, फाइनल फाइनल्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इस बार नहीं खेल पाए तो आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए आपकी किस्मत आपके हाथ। थैंक यू।